The second lecture of coordination compounds, and in this lecture I'll discuss about the IUPAC nomenclature of coordination compounds. जैसा कि आपने organic compounds के लिए IUPAC IUPAC nomenclature पढ़ा है, उसी तरह से inorganic compounds के लिए भी IUPAC के द्वारा रिकमेंडेड रूल्स के हिसाब से उनका नाम लिखा जाता है। तो आज हम लोग सेट ऑफ रूल्स पहले देखेंगे और फिर कुछ अच्छे एग्जांपल्स के द्वारा, सिंपल एग्जांपल्स के द्वारा हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ये देखते हैं। और किसी भी तरह के एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक प्रश्न आईपैक नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से जरूर रहता है और यह आपके नॉर्मल एग्जामिनेशंस में भी रहता है। ग्रेजुएशन में तो आईपैक नोमेनक्लेचर से जुड़ा हुआ एक पूरा प्रश्न रहता है जो 10 अंकों का होता है। कंपाउंड्स का नाम लिखा रहता है और फार्मूला से नाम लिखना और फिर नाम लिखने से फार्मूला लिखना, दोनों काम हम लोग इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या है कि किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर का पहला रूल ये है कि कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट जैसे and written first for any inorganic compound cations are written first and named first। दो बात ध्यान रखना है, written first और named first। जैसे इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं सोडियम सल्फेट, तो इसमें सोडियम हमारा ये कैटायन पार्ट हुआ और सल्फेट हमारा एनायन पार्ट हुआ, तो हम इसको सोडियम सल्फेट लिखेंगे, सल्फेटो सोडियम नहीं लिखेंगे, या सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, क्लोरो सोडियम नहीं लिखते हैं। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उल्टा होता है, हम क्लोरो मीथेन लिखते हैं, ब्रोमो इथेन लिखते हैं, लेकिन यहां उससे अलग। और इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं तो हम Na2SO4। अब आप देखिए कि यही सही फॉर्मूला है, कोई कहे कि SO4 Na2 ये ऐसा हम लिखते हैं क्या, तो ऐसा हम नहीं लिखते हैं। तो कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट, रिटन फर्स्ट एंड नेम्ड फर्स्ट, ये रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरली ये हमारे आदत में होता है जब हम केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, इसीलिए एज सच हम लोग रूल के रूप में इसको नहीं देखते हैं, लेकिन यह रूल है, यह नियम है, यह आपको ध्यान रखना है। तो पहला नियम यह हो गया। अब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैटायंस एनायंस को कैसे पहचान करेंगे, तो हमारे पास तीन तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स और सी न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब तीनों के उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कौन सा हुआ जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे CONH3O6, Cl3। ये कंपाउंड जब डिसोसिएट करता है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसमें पॉजिटिव चार्ज आया 3+ का, तो ये हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। उसी तरह से एनायनिक कॉम्प्लेक्स का एक उदाहरण K4FeCN6 जो कि हमने पहले भी लिखा है, ये है, इसमें ये जब डिसोसिएट करता है तो ये बनाता है 4K+ जोर FeCN6 4-। ये आप ध्यान दीजिए, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाए तो यह एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो यह कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और एक तीसरे तरह के भी कॉम्प्लेक्स है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में हमने सिस प्लेटिन का उदाहरण बताया था, PtNH3 होल ट्वाइस Cl2,
इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यह न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। और भी कई सारे कॉम्प्लेक्स आप लिख सकते हैं, NiCO4, FeCO5, कई सारे मेटल कार्बोनाइल्स जो है वो हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की है। तो यह तीन तरह का कॉम्प्लेक्स है, और किसी भी कॉम्प्लेक्स में तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का तो नेमिंग हम लोग अलग तरह से करेंगे, बताएंगे। और कैटायनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्स में हमको ध्यान रखना है कि हमारा कैटायन का नाम पहले लिखाएगा और एनायन का नाम बाद में लिखाएगा। तो यदि आप कैटायन मान लीजिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, या एनायनिक पार्ट हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो हम उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नाम किस किस को लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमिनिक्लेचर में जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट नियम है वो ये है कि इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर CS मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास Cl- है, NH3 है, वाटर है, ये तीन तरह के लिगेंड कहीं पर हैं। Cl- को हम क्लोरीडो लिखते हैं, ये एमीन लिखाता है और ये एक्वा लिखाता है, इसका नाम ये है। तो अब सबसे पहले अल्फाबेटिक में A आता है तो एक्वा और एमीन आएगा। अब पहला लेटर यदि A सेम हो गया तो उसके बाद हम लोग दूसरे लेटर पर देखेंगे, तो M N O P Q, तो N M पहले आएगा, तो ये हमारा M सेकेंड लेटर जो है इस पर A M, ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा, ये हमारा सेकेंड प्रेफरेंस का होगा, और ये क्लोरीडो का C है तो ये हमारा थर्ड प्रेफरेंस का होगा। तो यदि कहीं पर तीन लिगेंड है तो उस तीन लिगेंड का नाम क्लोराइड, एमीन और वाटर है, तो एमीन सबसे पहले लिखाएगा, चूंकि यहां पर ये आया है अल्फाबेटिक में, फिर ए क्यू आया गया है और ये सी है, ये सबसे लास्ट में आएगा। यदि एक लिगेंड एक से ज्यादा बार आता हो तो उनके रिपीटेशंस के लिए हम लोग डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इसको 2A में लिख देते हैं कि फॉर द रिपीटेशन ऑफ ए लिगेंड द वर्ड्स यूज्ड इन प्रीफिक्स आर डाई फॉर टू, ट्राई फॉर थ्री, टेट्रा फॉर फाइव, फोर पेंटा फॉर फोर फाइव सॉरी एंड हेक्सा फॉर सिक्स, हेप्टा फॉर सेवन, ऐसे आप देख सकते हैं इसको। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ये हम लिखेंगे यहां, लेकिन ये ध्यान रखना है यह प्रीफिक्स में यूज होगा, अल्फाबेटिक में नहीं जाएगा। मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूं कि रिपीटेशन के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये लिगेंड्स के नाम के अल्फाबेटिक अरेंजमेंट में नहीं जाएंगे। अल्फाबेटिक अरेंजमेंट में उनका जो नाम लिखा जाता है सिर्फ उनके इनिशियल लेटर्स इस्तेमाल होंगे, उनको यूज करके हम लोग अल्फाबेटिक बनाएंगे, ये ध्यान रखना है। कभी कभी लिगेंड्स के नाम के अंदर ही डाई ट्राई टेट्रा ऐसे वर्ड यूज किए हुए होते हैं, ऐसे वर्ड लिखे रहते हैं, जैसे
टू बी एक दूसरा नियम हम इसी में देखते हैं लिगेंड्स के ही रिपीटेशंस के लिए. इफ द नेम ऑफ लिगेंड इटसेल्फ कंटेन्स द वर्ड डाई ट्राई टेट्रा एटसेट्रा और इन केस ऑफ कंफ्यूजन, कंफ्यूजन ये ध्यान दीजिएगा द वर्ड्स फॉर रिपीटेशन यूज्ड आर बीस फॉर टू ट्रीस फॉर थ्री टेट्राकिस फॉर फोर. यदि ये दो बार हो तो 20 वर्ड इस्तेमाल करेंगे. और इसको लिखने का तरीका भी थोड़ा अलग है, वो हम एग्जांपल्स के द्वारा आपको बताएंगे. कि जैसे एक लिगेंड है इथिलीन डायमीन, एक लिगेंड है हमारा इथिलीन डायमीन ईएन, ये जहां हमने हमने बताया है कि ये बाइडेंटेट लिगेंड है. अब इसका आईपेक नेम आज हम लोग कहते हैं ये है इथेन 1,2 डायमीन. इसका आईपेक नेम अब लिखा जाता है, पहले हम लोग इथिलीन डायमीन लिखते थे लेकिन अब इस लिगेंड का भी नाम आईपेक नेम से ही लिखा जाता है. तो यहां देखिए यहां पे वर्ड यूज किया हुआ है इस लिगेंड के नाम में ही डाय है. अब कहीं पर इथिलीन डायमीन यदि दो बार आता है, ईएन दो बार आता है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 20, एक हाइफन देंगे, ब्रैकेट लेंगे, छोटी ब्रैकेट, इथेन 1,2 डायमीन 20. ध्यान दीजिए इसको लिखना है इस तरह से 20 इथेन एक हाइफन छोटी ब्रैकेट इथेन 1,2 डायमीन. क्योंकि यदि यहां पर डाइथेन हम लिखते डाइथेन 1,2 डायमीन तो ये फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट करता. यदि आप इसको ऐसे लिख करके देखिए कि डाइथेन 1,2 डायमीन, ये लिखने से थोड़ा सा अटपटा जैसा आपको स्वयं लगेगा कि ये हमारा डाइथेन आ गया, मतलब दो बार इथेन का आभास होने लगता है, इसलिए हम लोग इसको काट देते हैं, ये सही नाम नहीं है, ये काट ही लीजिए पूरा, कंफ्यूजन ना रहे. तो हम 20 इथेन 1,2 डायमीन यूज करेंगे. और यदि ये तीन बार हुआ तो हम 30 इथेन 1,2 डायमीन यूज करेंगे. तो लिगेंड्स का नाम के लिए आप समझ गए, जितने भी एनायनिक लिगेंड्स हैं आज के दिन सिर्फ साइनो को छोड़ के, साइनाइड के लिए हम साइनो इस्तेमाल करते हैं, सीएन माइनस के लिए हम साइनो इस्तेमाल करते हैं. और हालांकि यह एम्बीडेंटेड लिगेंड है, लिगेंड का एक क्लास जो है वह एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है जिसमें मोर देन वन डोनर एटम होते हैं. मोर देन वन डोनर एटम्स हैं, जैसे साइनाइड में आपको कार्बन से भी डोनेशन हो सकता है, एनसी से भी हो सकता है, एससीएन में सल्फर से डोनेशन हो सकता है, नाइट्रोजन से भी डोनेशन हो सकता है. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो थायो साइनेटो एस, और इसको लिखेंगे थायो साइनेटो एन. लेकिन साइनाइड में यदि हम साइनो अभी भी चलता है, साइनो लिखते हैं, इसका मतलब होता है कार्बन डोनर. और इसको साइनिडो भी कहीं कहीं लिखा जाता है साइनाइड में,
लास्ट का ई हटा दीजिए और ओ ऐड कर दीजिए और एनसी को हम लोग साइनो एन लिखते हैं। ये एन कैपिटल से लिखा जाता है। एक और लिगेंड है एनओ टू माइनस, इसको हम लोग नाइट्रीटो एन, और यदि यही ओ एनओ माइनस रहे तो नाइट्रीटो ओ कहते हैं। आगे जब हम लोग आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो वहां हम इस बात का डिस्कशन भी करेंगे कि इस तरह से यदि लिगेंड का डोनर एटम चेंज कर जाता है तो हमारा कॉम्प्लेक्स बदल जाता है, कॉम्प्लेक्स के कलर चेंज कर जाते हैं, उसके प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं, तो दे विल बिकम द आइसोमर्स। तो हम लोग आज एम्बिडेंटेड लिगेंड्स को देख लिए। अब जिस नॉमिनिक्लेचर की चर्चा हम लोग कर रहे थे उसमें एनायनिक लिगेंड्स के लिए खास करके आप ध्यान दीजिए, क्लोराइड Cl- इसको हम लोग पहले क्लोरो लिखते थे लेकिन अब क्लोरो नहीं लिख करके हम नए नॉमिनिक्लेचर सिस्टम में क्लोरिडो लिखते हैं। जैसे क्लोराइड हुआ ClOride, जितने भी एनायन हैं आप उसका नाम देखिए, सल्फेट लास्ट में ई है, नाइट्रेट लास्ट में ई है, नाइट्राइट लास्ट में ई है, तो केवल आपको सिंपल कर दिया गया है, ई को हटा करके ओ दे देना है। तो ये ओ हट गया, आप इसको ध्यान से देखिए, ये ओ जो है ये ओ हट गया और इस ओ के जगह पे ई आ गया। मैं इसको ग्रीन कलर से कर दे रहा हूं ताकि आप इसको समझ सके, क्लोरिडो क्लोराइड से क्लोरिडो। तो नॉर्मल हम लोग एनायन के रूप में क्लोराइड कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, लेकिन जब यही लिगेंड के रूप में काम करता है, एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो इसका नाम हम लोग क्लोरिडो लिखेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। बी आर माइनस तो ब्रोमिडो, ब्रोमिडो। अब थोड़ा सा जो पुराने लोग हैं उनको अटपटा लगता है, लेकिन आप नए बच्चे हैं, आप नए चीज सीखें, जो सही है वो सीखें। आई माइनस है तो आयोडाइड से आयोडीडो, पहले आइडो बोलते थे अब हम लोग इसको आयोडीडो बोलते हैं। और हमने कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स का नाम बताया ही था, जैसे CH3NH2, तो इसका आईपेक नेम अब लिखना है, मीथेन एमीन। मीथेनामीन, ध्यान दीजिए इसमें एक एम होता है, सिंगल एम, जबकि अमोनिया आप लिखेंगे तो ये अमोनिया से डिराइव्ड है इसलिए एमीन, और इसमें दो एम होता है, कैपिटल एम अमोनिया में, लेकिन यही जब मीथेन एमीन का है तो ये हम लोग मिथाइल एमीन लिखते हैं। और जो नाइट्रोजन के डेरिवेटिव्स हैं वो बहुत अच्छे लिगेंड होते हैं और कई तरह के बड़े बड़े लिगेंड्स बनाए जाते हैं और उनका आईपेक नॉमिनिक्लेचर या शॉर्ट फॉर्म में, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिगेंड्स का नॉमिनिक्लेचर देखा जाता है। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस जब आप पढ़ेंगे, जो रिसर्च के पेपर है उसमें पढ़ेंगे, तो आपको कॉम्प्लेक्स का एब्रीविएटेड फॉर्म में नाम लिखा रहता है, लेकिन अभी हम लोग इसको सीखेंगे। तो जैसे कि अब हम एग्जाम्पल एक लेते हैं कि CONH3O6 Cl3, ये हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? तो यहां पर ये प्लस चार्ज है, कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, तो इसका नाम हम लिखते हैं हेक्साएमीन, हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब देखिए जो दूसरा नियम हमने इसमें यूज किया है, तीसरा नियम, वो है नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन, नेमिंग ऑफ द CMI सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन का नाम कैसे लिखा गया है? तो ये देखिए कि इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक, इफ कॉम्प्लेक्स इज कैटायनिक और न्यूट्रल, name of the CMI
इज एज इट इज इन इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज विथ ऑक्सीडेशन नंबर इन पैरेंथेसिस इन रोमन न्यूमरल्स. इन रोमन न्यूमरल्स इन साइड द पैरेंथेसिस. ये ठीक से समझ लीजिए, यदि कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक या न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज प्लस पॉजिटिव है या जीरो चार्ज है, नो कोई चार्ज नहीं है, तो हम लिगेंड के नाम लिखने के बाद मेटल का नाम एज इट इज इंग्लिश लैंग्वेज में जैसा है वैसा लिखेंगे. अब इसका क्या मतलब है, यदि कोई आदमी इसको देवनागरी भाषा में लिखना चाहते हैं तो वो भी इसको ऐसा ही लिखेंगे, एक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. हम देवनागरी में, हिंदी में के स्क्रिप्ट जो है देवनागरी कहलाते हैं, उसमें भी नाम लिखेंगे तो जो यह नाम है इसी को लिखेंगे, केवल हमारा स्क्रिप्ट चेंज कर जाएगा, नाम में कोई बदलाव नहीं होता है. जैसे कि आपका नाम हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, केवल आप स्क्रिप्ट बदलते हैं, नाम आपका परिवर्तित नहीं होता है. तो वही इसको लिखना है. एक बड़ा अच्छा इसका उदाहरण है, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है FeCO5, तो इसका नाम हम लोग पेंटा कार्बोनाइल. ये पांच कार्बोनाइल के लिए हो गया आयरन जीरो, ऐसा लिखते हैं. यहां आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, तो इसके जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट को भी यहां लिखा जाना चाहिए आयरन जीरो. और इसको हिंदी में भी हम लिखेंगे, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, पेंटा कार्बोनाइल कार्बोनाइल आयरन जीरो. अब हम इसको ऐसा नहीं लिखेंगे कि पेंटा को पंच लिख दिए, पंच कार्बोनाइल लौह जीरो, ऐसा नहीं लिखेंगे, नहीं तो वो हंसने जैसा हो जाएगा. तो हम भाषा जो है स्क्रिप्ट, हम मलयालम तमिल बंगला जो भी इस्तेमाल करें वो चलेगा, लेकिन हमारा जो नाम होगा उसमें पूरी दुनिया आईपेक सिस्टम को एक्सेप्ट करती है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जो उस एलिमेंट का नाम है, जो उस कंपाउंड लिगेंड का नाम है, उसी नाम के हिसाब से हम लिखेंगे. तो इस दो उदाहरण से ये क्लियर हो गया होगा. अब यदि हमारा कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायनिक है, तब हम सेंट्रल मेटल आयन का नाम कैसे लिखेंगे. इफ द कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन is written as their original name, original name ending with 8, ये ध्यान देना है, ending with 8. जैसे iron है तो ये फेरेट, आयरन का ओरिजिनल नेम जो है वो लैटिन में है फेरम, और उस फेरम से हम लोग लिखते हैं उसको फेरेट. सिल्वर है अर्जेंटेट, लिगेंड के रूप में क्या लिखाएगा, अर्जेंटेट. लेड है पीबी, पलम्बेट. तो ये दो तीन नाम, ऑरेट गोल्ड है ऑरम, तो उसका ऑरेट. तो 11 जो हमारे तत्व है वो ओरिजिनल नेम लैटिन के नेम से लिखे जाते हैं, जैसे हिंदी के लिए जो संस्कृत है ओरिजिन है, उसी तरह से अंग्रेजी का ओरिजिन जो है, ओरिजिनल लैंग्वेज जो है वो लैटिन में. और ऐसे जो जिन लोगों ने शेक्सपियर के अंग्रेजी को पढ़ा होगा, तो आप लैटिन भाषा के कई सारे शब्द को पढ़े होंगे,
तो हमको उसी में लिखना है। और ये बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट का इंग्लिश में लैटिन में एक ही नाम है, लेकिन यदि वो भी हमारा नेगेटिव में रहेगा, एनायनिक रहेगा कॉम्प्लेक्स, तो उसके नाम में भी हम लोग लिखेंगे कोबाल्टेट। क्या लिखना है? कोबाल्टेट, क्रोमेट, निकलेट, क्यूप्रेट। तो ये हम लोग एंडिंग विथ एट फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर, फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन न्यूमरल्स, न्यूमरल्स जैसे आप इस तरह से लिखते हैं। हालांकि जीरो रोमन न्यूमर नंबर में नहीं है, इसलिए आजकल अरबिक न्यूमरल्स भी आने लगा है। तो रिसेंट आप नोटिफिकेशन देखेंगे और रोमन नंबर्स में नेगेटिव नंबर को लिखने का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम लोग आजकल अरबिक नंबर्स में भी लिखने लगे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन चेंज दिस एंड यूज दिस रोमन नंबर इनसाइड द पैरेंथेसिस। क्योंकि नियमों में हर एक समय बदलाव होते रहते हैं। पहले कोई मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बनाएगा ऐसा लोग नहीं सोचते थे, निगेटिव में बनाएगा ये तो संभव ही नहीं लगता था, लेकिन आज के दिन ऐसा संभव होने लगा है। इसलिए आपको भी बदलाव को देखते रहना है, पढ़ते रहना है, समझते रहना है, क्योंकि ओनली थिंग परमानेंट इन दिस यूनिवर्स इज चेंज। पहले कोरोना काल से पहले का समय अलग था, हम लोग क्लासरूम टीचिंग करते थे, अभी हम लोगों ने अपने में बदलाव लाया। नाउ वी आर हैविंग द ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब, नाउ द टीचर्स हैव बिकम एक्टर्स। आपको लग रहा होगा आपके भी मेरे कमरे में कोई स्टूडेंट नहीं है, मेरा मोबाइल फोन का कैमरा है और इस कैमरे के सामने खड़े होकर के मैं आपके लिए यूट्यूब का लेक्चर बना करके अपलोड कर रहा हूं। और ये मेहनत का काम है, 1.5 से 2 घंटे इसको अपलोड करने में लगते हैं। मेरा पर्सनल 2 GB 3 GB का डेटा पर डे जाता है, और डाटा भी कभी कभी इतना स्लो होता है कि पूरे रात में अपलोड होता है। तो इस मेहनत का फायदा तभी है जब आप पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई करके आप अपने आप को यूटिलाइज कर लाएंगे। दिस इज अ न्यू नॉर्मल, न्यू चेंज वर्ल्ड। तो समटाइम्स देयर इज अ चेंज इज ओनली थिंग परमानेंट इन दिस यूनिवर्स इज चेंज, बदलाव। अब मैं एक उदाहरण के द्वारा इसको बता करके ये लेक्चर आज कंप्लीट करूंगा। जैसे K4FeCN6, तो इसमें कैटायनिक पार्ट क्या हो गया? पोटेशियम। तो पहले पोटेशियम लिख देंगे। अब पोटेशियम और ये इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या लिखना है? लिगेंड का नाम पहले लिखना है, तो हेक्सा साइनो फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमने पहले भी बताया था कि ये -4 हो गया, ये -6 हो गया, तो यहां पे +4 सॉरी, और तो यहां +2 का ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, चार्ज हुआ आयरन के ऊपर +2 का, तो इसको हम लोग 2 को यहां पर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में रोमन नंबर। अब देखिए ये जो है इसमें सभी एक साथ वर्ड है, पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट, इसमें कोई अलग अलग वर्ड नहीं है। तो योर नेम, नेम ऑफ द कंपाउंड शुड बी रिटन एज ए वन वर्ड, देयर मस्ट नॉट बी गैप कि हमने पोटेशियम यहां लिखा, हेक्सा बीच में लिखे, फिर एक गैप डाल करके हम लोग उसको फेरेट से लिखे और फिर इसको टू को अलग लिखे, ऐसा नहीं लिखना है। यू शुड स्टार्ट द नेम विथ एज ए वन वर्ड। एक और कंफ्यूजन आता है बच्चों को, वो क्या देखते हैं कि ये हम पहला लेटर कैपिटल से लिखें या स्मॉल से लिखें। यह नाम यदि सेंटेंस का एक पार्ट है और बीच में लिखा जाता है तो इसको हम लोग स्मॉल में लिखेंगे, और यदि यह बिगनिंग में लिखा जा रहा है तो आप कैपिटल से लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यदि नॉर्मल एग्जामिनेशन में इसको हम पूछते हैं तो हम इसको स्मॉल या कैपिटल किसी से भी शुरू कर सकते हैं, बट यू शुड राइट द नेम एज अ वन वर्ड। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।